काशीराम जी ने साइकिल चला के बहुजन समाज को जोड़ दिया, लेकिन आज लोगों के पास लग्जरी होने के बाद भी वे बहुजन समाज को जोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों? जी मान्यवर काशीराम साहब उस समय हमारे लोगों को तो मसीहा थे, दलितों के मसीहा थे। उन्होंने साइकिल से यात्रा की शुरुआत की और अकेले चले थे, लेकिन कारवां बनता गया और बहुत बड़ा समाज जागरूक हो गया उनके साथ। लेकिन आज का समाज जो है, मैं कहूँगा कि आलसी अगर कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, आज का समाज जो है इतनी सुविधा होने के बाद भी जो है एक जो है घरों से निकलना नहीं चाहता है। अभी भी लोग घरों से निकलना नहीं चाहता, एयर कंडीशन और अपने अपने लग्जरी गाड़ियों में मस्त रहता है। लेकिन ऐसे नहीं होगा, जब तक हमारा समाज रोड पे नहीं आएगा, सड़कों पे नहीं निकलेगा, संघर्ष नहीं करेगा, तब तक तरक्की नहीं हो सकती। हमें माननीय काशीराम साहब से बहुत सीख लेना है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि साहब से प्रेरणा ले और प्रेरणा लेकर के आगे निकले। बाबा साहब ने कहा था समाज जब भी तरक्की करेगा जब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, तो आप ये महिलाओं को कैसे भागीदारी दी जाए समाज में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, महिलाओं को कैसे भागीदारी दी जाए। बाबा साहब ने कहा था देश तभी तरक्की कर सकता है जिस देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ चलेंगी, और तभी हमारा देश तरक्की करेगा। आज समाज बदल रहा है, आज महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी है, और बहन जी मुख्यमंत्री बनी इसके बाद भी बहुत सारी महिलाओं ने अच्छे अच्छे पदों पर काम किया है। तो हमारे प्रेरणा मिली है, बहन जी से बहुत कुछ प्रेरणा मिली है, और आज भी की महिलाएं जो उनको फॉलोअप करती हैं, उनको अपना आदर्श मानती हैं, वो महिलाएं आज भी समाज में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। और जिस तरीके से लोग समाज में निकलेंगी, हमारे लोगों हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर की महिलाओं को, बहन की बेटियों को भी साथ में लेके आएँ, ऐसे जगह पर लेके आएँ जहाँ से हमें सीख मिलती है। जैसे ये प्रेरणा स्थल केंद्र हैं, जगह जगह जो हमारे ऐतिहासिक स्थल बनाए गए हैं, इन जगहों पर हम अपने परिवार के महिलाओं को साथ में लेकर आएँ ताकि उनको सीख मिले और वो कंधे से कंधा मिला के हम सभी का साथ दे सकें और हमारी सरकार बन सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।